तो गाइस सीयूटी एग्जाम 2022 को लेकर के स्टूडेंट्स में गुस्सा और कंफ्यूजन दोनों बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि 15th ऑफ जुलाई से एग्जाम्स हैं आप लोगों के, जैसे कि आप सब लोग जानते हो, और अभी तक एनटीए ने बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है। गुस्सा कंफ्यूजन दोनों इसलिए भी जारी है क्योंकि भाई एडमिट कार्ड जो कि रिलीज हो जाना चाहिए था, लेकिन अब जबकि सिर्फ आप कह सकते हो 4 दिन जैसा बचा हुआ है, 4 से 5 दिन, और अभी तक एनटीए ने एडमिट कार्ड के बारे में कोई कंफ्यूजन मतलब क्लियरिफिकेशन नहीं दिया है। तो यहां पे देखो बच्चों, जहां तक बात है एनटीए का, मैं आपको बता दूं सीईटी 2022 भले ही यहां पे अभी आपके सामने खड़ा है, लेकिन पहले भी ऐसा हो चुका है कि एनटीए ने सिर्फ 1 से 2 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी के हैं, मतलब कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। वैसे मैं अगर एक आपको एक अंदाजा दूं तो मुझे लगता है कल या परसों आपका एडमिट कार्ड जारी हो सकता है। अगर एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा तो कम से कम नोटिफिकेशन जरूर कोई ना कोई आएगा एनटीए की तरफ से। और एक सवाल आप लोगों का बहुत ज्यादा मुझे स्टूडेंट्स देखने के लिए मिल रहा था कि सर क्या एग्जाम और पोस्टपोन हो सकता है? तो बच्चों ये जो पॉसिबिलिटी है ये बन तो रही है, बट कितना हद तक अभी इस पे कुछ भी कह पाना ज्यादा मुश्किल है। सो लेट्स वेट फॉर एटलीस्ट 1 or 2 days, 2 दिन देख लेते हैं, और फिर जैसे कोई अपडेट आएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए आप लोग प्लीज बी फोकस्ड टुवर्ड्स योर स्टडीज, अपने फोकस करो, पूरा फोकस लगा दो, पूरा जान लगा दो अपने एग्जाम के लिए, ठीक है? एवरीथिंग विल बी फाइन, और जैसे कोई अपडेट आएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बाय, जय हिंद, जय भारत।